Hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we are going to discuss about antifungal agents. Okay, last lecture में हमने देखा था antifungal agent का classification, then introduction. Okay, so आज के lecture में हम discuss करेंगे antifungal agents, कौन कौन से drug है. Okay, कौन कौन से agents है, one by one उसका classification, that means structures, then केमिकल नेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, देन यूजेस एंड ऑफिशियल प्रिपरेशन. ओके, सो फर्स्ट ड्रग लेते हैं यहाँ पे अनडीसाइक्लिमिक एसिड. ओके, ये कौन सा एंटीफंजल ड्रग है ना. लास्ट लेक्चर में हमने उसका डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन देखा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है PC2 में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2nd में. ओके, यू द क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ एंटीफंजल एजेंट्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर में, गिव द केमिकल नेम ऑफ अनडीसाइक्लिमिक एसिड विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज या यूजेस पे सेपरेट 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपको. सो इम्पॉर्टेंट ड्रग है. ओके, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका, जो भी फॉर्मूला है. सो इट इज़ अ एंटीफंजल एजेंट. जो भी फंजाई का इन्फेक्शन है, सेम बैक्टीरिया का जिस टाइप में इन्फेक्शन है, सो हम बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल ड्रग यूज कर रहे हैं वहाँ पे. सो उसी टाइप में अगर फंजल इन्फेक्शन हो, ओके, फंजाई स्पेसिस का, तो उस पर उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें एंटीफंजल एजेंट्स यूज करना है, सच एज अ अनडीसाइक्लिमिक एसिड या फिर एम्फोटेरिसिन ए, एम्फोटेरिसिन बी है. ओके, सो फर्स्ट वन इज अ अनडीसाइक्लिमिक एसिड, क्लियर. सो फर्स्ट पॉइंट इज द ऑफिशियल फैटी एसिड एंटीफंजल फैटली एसिड्स, दैट मीन्स फैटी एसिड इज अ अनडीसाइक्लिमिक एसिड. केमिकल फॉर्मूला इज अ CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH2 के 8 मॉलिक्यूल हैं एंड लास्ट एसिडिक ग्रुप. एसिड है, उसी के नेम में ही एसिड है, तो अनडीसाइक्लिमिक एसिड में लास्ट में क्या है, ये एसिडिक फंक्शनल ग्रुप भी आएगा उसमें. ओके, सो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अनडीसाइक्लिमिक एसिड. एक केमिकल फॉर्मूला है, सिंपल केमिकल फॉर्मूला. आपको MCQ में भी क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एंटीफंजल ड्रग का. देन नेक्स्ट वन इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ कलरलेस टू पेल येलोइश ब्राउन क्लियर लिक्विड और व्हाइट टू येलोइश व्हाइट क्रिस्टलाइन मास. दैट मीन्स पेल येलोइश कलर का लिक्विड है, देन व्हाइट येलोइश व्हाइट क्रिस्टलाइन कलर है. ओके, मीन्स उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है. देन इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर. कैरेक्टरिस्टिक्स एक स्पेसिफिक टाइप का ऑर्डर है, स्मेल है. देन सोल्युबिलिटी इज अ, इट इज प्रैक्टिकली इनसोल्युबल इन अ वाटर एंड सोल्युबल इन अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज क्लोरोफॉर्म, एसिटोन, देन अल्कोहल्स. ओके, सो इट इज इनसोल्युबल इन अ वाटर एंड बट सोल्युबल, कंप्लीटली सोल्युबल इन अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. देन नेक्स्ट वन स्टोरेज कंडीशन, इट इज स्टोर्ड इन अ टाइटली क्लोज्ड कंटेनर. टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना है एंड लाइट से प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट फ्रॉम दी लाइट. ओके, सो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अनडीसाइक्लिमिक एसिड. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ यूजेस ऑफ अनडीसाइक्लिमिक एसिड. सो यूज क्या है, एंटीफंजल एजेंट करके हम यूज करते हैं, जो भी फंजाई का इन्फेक्शन है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम फंजास्टैटिक एजेंट करके यूज कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, सो फर्स्ट वन इज अ, फर्स्ट यूज इज अ, इट इज एम्प्लॉयड इन अ 10% स्ट्रेंथ इन अ इमल्शन, लोशन, ऑइंटमेंट और पाउडर एज अ इफेक्टिव फंजास्टैटिक. बट वॉट इज फंजास्टैटिक, फंजास्टैटिक मीन्स वॉट, अगर स्टैटिक आ रहा है यहाँ पे तो किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फंजाई का जो भी ग्रोथ है, ओके, जो भी इन्फेक्शन है उसको कम्प्लीटली क्लियर करना है, ट्रीट करना है या किल करना है ना. एंड देन फंजाई साइडल मीन्स व्हाट, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फंजाई. एंड स्टैटिक मीन्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, दैट मीन्स किल द ग्रोथ ऑफ फंजाई. ओके, सो फंजाई स्टैटिक एजेंट करके भी हम अनडीसाइक्लिमिक एसिड यहाँ पे यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इमल्शन, लोशन, ऑइंटमेंट एंड पाउडर. ऑब्वियसली अगर हम टॉपिकली यूज कर रहे हैं स्किन के अपर साइड में, अगर हम ये लोशन लगा रहे, ऑइंटमेंट्स लगा रहे, तो इसका यूज भी टॉपिकल यूज है. ओके, द नेक्स्ट यूज इज अ, दिस मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट स्किन फंजल इन्फेक्शन सच एज एथलेटस फूट. जो भी एथलेटस फूट का इन्फेक्शन है,
ओके मेजर डिसीज है ये एथलेटस फूट। ओके सो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी, उसके इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी हम ये डिसीज दैट मीन्स ये ड्रग यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज अ अनडिसाइक्लेमिक एसिड इज अ फैटी एसिड दैट वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ फंजाई। जो भी फैटी एसिड है ये अनडिसाइक्लेमिक एसिड, जो फंजाई का जो भी ग्रोथ है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट मीन्स इनहिबिट कर रहा है, क्लियर। द नेक्स्ट वन ऑफिशियल प्रिपरेशन, फर्स्ट ऑफिशियल प्रिपरेशन इज अ अनडिसाइक्लेमिक एसिड इंडिया फार्माकोपिया आईपी है। देन अनडिसाइक्लेमिक एसिड बीपी है, जिंक एडेड कंपाउंड है, जिंक अनडिसाइक्लिनेट, देन जिंक अनडिसाइक्लिनेट बीपी है, एंड देन जिंक अनडिसाइक्लिनेट ऑइंटमेंट है। सो दीज आर दी ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ अनडिसाइक्लेमिक एसिड, क्लियर। सो टू मार्क्स के लिए ड्रग आ सकता है, गिव द प्रॉपर्टीज यूजेस एंड फार्मूला ऑफ अनडिसाइक्लेमिक एसिड, क्लियर। सो इम्पॉर्टेंट ड्रग है। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट ड्रग एम्फोटेरेसिन इज अ एंटीफंजल ड्रग। ओके सो आज के वीडियो में बस इतना ही, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।